हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेजान पर। दोस्तों आज मैं साधारण ब्याज के टॉपिक के साथ आया हूं। तो दोस्तों देखिए, साधारण ब्याज मैंने लिखा है और साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, और यहाँ पे एक फार्मूला और है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज। के दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यदि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 हो जाती है तो वह राशि कितनी होगी। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर बराबर कितना दिया दोस्तों, 5%। टी बराबर टाइम कितना है, 6 वर्ष। और देखिए यहां पे दोस्तों पूरा एडिशन दिया है, मतलब ए दिया है। ए का वैल्यू कितना दिया है, 26। और दोस्तों पूछा क्या है इसमें, कोई राशि अर्थात पी पूछा है। जो धन आपके पास होगा वही आपका राशि होगा, तो पी पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पी को हम सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, साधारण ब्याज बराबर, यहां पे दोस्तों मैंने साधारण ब्याज का फार्मूला लिख दिया है, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए यहां पर, तो मिश्र धन यहां पर 2600 दिया है, मूलधन को पी मानते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर आ गया 2600 माइनस पी। अब साधारण ब्याज का फार्मूला भी हमें आप लोग को क्या बताए थे, 2600 माइनस पी, और फिर यहां पर क्या होता था, प्रिंसिपल अर्थात पी गुड़े रेट, रेट रेट यहाँ पे दिया है दोस्तों, रेट कितना दिया है, 5%। तो रेट 5%, और टी मीन्स टाइम, टाइम कितना है, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष अपॉन 100। अब देखिए दोस्तों, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 पी हो जाएगा, और यहाँ पे 30। अब हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस 100 को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं दोस्तों, और 130 पी बराबर कितना हुआ, 260,000। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और पी बराबर 2000 डायरेक्ट। यहाँ पे दोस्तों 13 से काट देंगे, 13 के 13 दुनी 26, 2000 रुपए आपका आंसर। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।